आज की वीडियो में बात करेंगे बजट आईपैड के बारे में, 10th जनरेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी कंप्लीट लॉन्च डेट, प्राइस, पाकिस्तान एंड इंडिया बताऊंगा। और यहाँ पर न्यू लीक निकल कर आई जिसमें कहा जा रहा है कि 5G भी होगा इसके अंदर और एप्पल A14 चिप आएगी। एंड यहाँ पर हमें जी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आई है, USB Type-C भी मिलेगी हमें, ठीक है ना, Type-C। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आई है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आपने वीडियो कम्प्लीट वॉच कर लेनी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इस रिपोर्ट के हवाले से जो कि मैं बताया आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एप्पल A14 चिप आ रही है इसके अंदर, जो कि यहाँ पर क्वालकॉम के 5G मॉडेम के साथ कंपैटिबल होगी। तो यहाँ पर हमें 5G कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है, बजट आईपैड के अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है, हमें 5G कनेक्टिविटी मिल रही है। और यहाँ पर देखें टाइप सी भी आ जाएगा। अब डजेंट मैटर वो टाइप सी 3.0 हो या 3.2 हो, कुछ कन्फर्म नहीं, बट USB Type-C आ रही है आईपैड प्रो, सॉरी आईपैड बजट आईपैड के अंदर 10th जनरेशन। और यहाँ पर हमें लार्जर डिस्प्ले मिलेगा, जो कि वैसे तो आ रहा है 10.2 इंच का, अभी हमारे पास लेटेस्ट 10th जनरेशन में आएगा 10.5 इंच का, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात कर लें इसके बारे में मजीद, तो यहाँ पर हाँ ये तो एप्पल A14 चिप हो गई, 5G कनेक्टिविटी एंड लार्जर डिस्प्ले मिल जाएगा विद USB Type-C, ठीक है ना। तो हमें थोड़ी सी हमें फास्ट चार्जिंग भी काफ़ी देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना इसके अंदर। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके बारे में हमें क्या मजीद चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखें यहाँ पर हमें कोई बेजलेस डिस्प्ले नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें वही पुराना डिस्प्ले मिलेगा, बट यहाँ पर उसके कुछ साइड बेजल्स और ऊपर और नीचे के बेजल्स थोड़े कम कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। मतलब हमें इस किस्म का कोई डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा, जो कि हमें आईपैड प्रो वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये जो मैं आपको दूसरी फोटो दिखाई जिसमें नोच आ रही है, यहाँ पर इस किस्म का ऑलमोस्ट होगा, यहाँ पर इस किस्म का भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखें ये आईपैड प्रो टाइप आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर बजट आईपैड होगा, डिजाइन में वही पुराना हमें मिलेगा, एक होम स्क्रीन, यहाँ पर होम बटन मिल जाएगा यहाँ पर, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर। और साइड के बेजल थोड़े कहा जा रहा है कि छोटे कर दिए जाएंगे, लेस्सी कितने छोटे किए जाते हैं, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी रिलीज डेट की। देखें आप जानते हैं लास्ट ईयर मेरे ख्याल से एंड ऑफ सितंबर में रिलीज हुआ था ये बजट आईपैड इसका, ठीक है, 9th जनरेशन। अच्छा तो 9th जनरेशन यहाँ पर एंड ऑफ सितंबर में रिलीज हुआ था, तो इस दफा भी ये इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि सितंबर के या तो अक्टूबर में रिलीज किया जाएगा बजट आईपैड, ठीक है ना, 10th जनरेशन। अच्छा तो यहाँ पर क्या ये आईफोन 14 लाइनअप के साथ ही लॉन्च किया जाएगा? मेरे ख्याल से यहाँ पर साथ लॉन्च करेगा एप्पल, बकाया कुछ कंफर्म नहीं, कि हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें साथ ही लॉन्च कर दे, मीन्स के 14 आईफोन 14 लाइनअप प्लस एप्पल वॉच सीरीज 8 प्लस एयरपोर्ट प्रो 2। बट मेरे ख्याल से यहाँ पर आईपैड को अलग सेपरेट इवेंट में लॉन्च करेगा एप्पल, लेट्स सी के क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आईफोन 14 के इवेंट से पहले लॉन्च कर दे इसको, या तो आईफोन 14 इवेंट के बाद लॉन्च कर दे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अभी मूव करते हैं इसकी कुछ प्राइसिंग के हवाले से। देखिए प्राइसिंग क्या होने वाली है यहाँ पर इसकी। प्राइसिंग इसकी कोई $329 से स्टार्ट होके कोई $380 तक जाएगी, ठीक है ना, जिसको मैंने पाकिस्तानी करेंसी में भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया, इंडियन करेंसी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। किसी किस्म के टैक्सेस नहीं डाले हैं इसके अंदर। यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, $329 को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया तो लगभग 71,000 रुपीज प्राइस बन रही है विदाउट एनी टैक्सेस। अच्छा तो यहाँ पर इंडिया में क्या प्राइस बन रही है, 27,000 रुपीज, ठीक है, 27,000 इंडियन रुपीज एंड 71,000 पाकिस्तानी रुपीज। अच्छा तो यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, इसका जो 256 GB वाला वेरियंट होगा इसकी प्राइस बनेगी 1,04,000 रुपीज पाकिस्तान में, और इंडिया बनेगी 39,000 रुपीज, ठीक है। तो प्राइस होगी कंफर्म यहाँ पर। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी मैं क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी इस टैबलेट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले बात करते चले यहाँ पर डिस्प्ले में बड़ा मिलेगा, 10.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, मिनी LED रेतना डिस्प्ले होगा, LCD डिस्प्ले, ठीक है जी। यहाँ पर LCD डिस्प्ले होगा, LED डिस्प्ले नहीं होगा ना OLED डिस्प्ले होगा, ठीक है। और जिसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन मिल जाएगा 1222x1668, ठीक है, तो 1668 में रेजोल्यूशन मिल जाएगा इसका। और यहाँ पर हमें यहाँ पर सैडली 60 Hz का रिफ्रेश रेट होगा, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर सैडली नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बजट आईपैड है तो मेरे ख्याल से इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं, ठीक है। और रैम की यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, रैम कितनी आ रही है। देखें यहाँ पर एक ही इसमें अभी आएगा रैम, 4 GB रैम होगी इसके अंदर, और इंटरनल स्टोरेज जाएगी 64 GB और 256 GB, ठीक है।
और एप्पल A14 चिप के आने से यहाँ पर हमें पावर कंजप्शन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, साथ में परफॉर्मेंस में भी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी एप्पल A14 चिप के साथ, ठीक है ना, जो कि 2020 में आई थी, ठीक है। एलुमिनियम बॉडी मिल जाएगी, फुल एलुमिनियम बॉडी, ठीक है, और टच आईडी हमें बटन में मिल जाएगी, जैसा कि आईफोन 5S के बाद से बहुत से आईफोन से मिलती रही है वैसे ही मिलेगी हमें इसके अंदर भी, ठीक है। सिंगल कैमरा बैक पर मिल जाएगा और सेल्फी कैमरा यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का होगा और बैक कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का होगा, ठीक है जी। और यहाँ पर देखें बैटरी लाइफ के हवाले से, इस दफ़ा मैं आपको पहले भी कहा एप्पल A14 चिप के आने के बाद बैटरी लाइफ काफ़ी इंप्रूव होगी, ठीक है ना, और यहाँ पर हमें बैटरी भी कुछ अच्छी मिल रही है, यहाँ पर 8134 mAh, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बैटरी लाइफ मिलेगी हमें। ये सारी स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ ना आपको, एक्सपेक्टेड है, ये 100% कन्फर्म नहीं कि यही स्पेसिफिकेशन आएंगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर प्राइसिंग पे आ जाते हैं, प्राइसिंग वही $329 से स्टार्ट हो गए $480 तक जा रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बात कर लेते हैं इसमें कुछ मजीद आईपैड के बारे में, तो क्या बेहतरी कर सकता है आईपैड के अंदर एप्पल, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर मैं हर एप्पल की वीडियो में कहता हूँ, चाहे वो आईफोन की वीडियो हो, चाहे वो मैकबुक की वीडियो हो, जो उनसी वीडियो ना, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स निकालने चाहिए बजट आईपैड के अंदर। मैं बजट आईपैड में यही कह रहा हूँ कि कलर्स निकालने चाहिए, लोगों को पसंद आता है। जो लोग चीप आईपैड बाय करते हैं, क्या उनका दिल नहीं होता, क्या उनको सिर्फ ज़्यादा कलर्स खरीदने के लिए, मैं ज़्यादा कलर्स देखने के लिए सिर्फ महंगा वाला आईपैड खरीदना होगा, क्या बात है ये। मेरे ख्याल से इनको कलर्स ज़्यादा से ज़्यादा निकालने चाहिए, अच्छे कलर्स निकालने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉन्च इवेंट के साथ ही कलर्स निकाल दें, इसके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 6 महीने बाद भी निकाल सकते हैं, जैसा कि iPhone 7 आया था तो उसके कुछ 6 या 4-5 महीने बाद आया था मेरे ख्याल से, मुझे याद है प्रोडक्ट रेड आया था, मुझे याद है वहाँ पर आया था मोबाइल। तो मेरे ख्याल से इनको कलर्स में काम करना चाहिए। और यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर मेरे ख्याल से इनको 3.5 mm ऑडियो जैक भी इंक्लूड करना चाहिए यहाँ पर इसके अंदर, अगर तो यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन में अगर रिमूव करेगा एप्पल तो ये अच्छा नहीं करेगा, एप्पल को चाहिए कि रिटेन करना चाहिए 3.5 mm ऑडियो जैक, क्योंकि इतना बड़ा आईपैड होगा आप खुद ही जानते हैं, इतना बड़ा आईपैड होगा 10.5 inches का, तो देखिए उसमें 3.5 mm ऑडियो जैक कौन सी जगह खा जाएगा यार। और यहाँ पर अगर डिज़ाइन की बात करें तो बजट आईपैड है इसमें ठीक है, एवरेज चल जाएगा डिज़ाइन। और यहाँ पर अगर एप्पल इसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर में भी यहाँ पर आईपैड ओएस में कुछ तब्दील लाता है ना तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आईपैड प्रो की वीडियो में कहा था कि आईपैड यूज़ करें तो ऐसा लगता है कि बड़ा सा जॉइंट आईफोन पकड़ लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसी किस्म का मुझे लगता है। बतक बकाया आप बताएं मुझे, आपको क्या लगता है, आईपैड बड़ा सा आईफोन नहीं लगता अपने हाथ में जैसे बड़ा सा आईफोन पकड़ लिया, जैसा कि देखें ये मैक और आईफोन के दरमियान की चीज़ है तो वैसे ही इसका ओएस भी होना चाहिए मैक और आईफोन के दरमियान की चीज़, ठीक है। और यहाँ पर बात कर ले, बात करते चलें इसके बारे में मज़ीद, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये अगर सितंबर में रिलीज़ भी हो गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसमें पाकिस्तान में आते आते इसको महीना लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात शॉप कीपर हैं कुछ जो जल्दी मंगा लेते हैं, बट आते वक्त तो लगता है, ठीक है ना, बाहर से। और यहाँ पर एक और आखिरी बात इंक्लूड करना चाहता हूँ, देखें इसमें USB Type-C तो आ रही है, बहुत अच्छी खुश आइन बात है ये, ठीक है ना, बट इसमें हमें फास्ट चार्जिंग मिल जाए तो अच्छी बात होगी, काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी ये, ठीक है ना। और यहाँ पर मज़ीद एप्पल से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, एप्पल से रिलेटेड न्यूज़ रिव्यूज़ और कंपेरिजन के लिए लाजमी सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, ठीक है ना। और यहाँ पर एंड में एक और बाइक इंक्लूड करता चालू, यहाँ पर मैं आपको देखें यहाँ पर एप्पल से रिलेटेड जो भी यहाँ पर अपडेट आती है मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर शेयर कर देता हूँ आपकी अपनी लैंग्वेज में, चाहे आप पाकिस्तान से हैं तो फिर उर्दू में, अगर इंडिया से हैं तो हिंदी में, ठीक है ना, तो बेसिकली ज़बान तो एक ही है, तो यहाँ पर आपको समझ आनी चाहती मैं आ जाती होगी मेरी बात, आई होप सो, ठीक है। और वीडियो में किसी चीज़ की कमी रह गई तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछने में जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एंड सकें पे मेरी वीडियोस भी आ जाएंगी, चैनल भी आ जाएगा, तो मेक श्योर लाजमी सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।